ग्वालियर के मंदिरों के दर्शन के क्रम में स्वर्ण मंदिर के हम समक्ष पहुँचे तो हमें लगा कि आम मंदिरों की तरह एक जैन मंदिर के दर्शन करने को मिलेगा, परंतु मंदिर के अंदर कदम रखते ही हमारी वह जिंदगी की टीम आश्चर्यचकित रह गई। अब हम पहुंच चुके हैं ग्वालियर के जैन स्वर्ण मंदिर में, तो चलिए दर्शन करते हैं ग्वालियर के स्वर्ण मंदिर के और जानते हैं इनके इतिहास और वर्तमान के बारे में। मंदिर की नक्काशी को देखकर ऐसा लगा कि जैसे किसी महल के अंदर हम आ गए हों। रंग बिरंगे पत्थरों से चमकती हुई आभा निकल रही थी। स्वर्ण की काफी बारीकी से मंदिर की छत, दीवारों आदि जगह पर कलाकृति की गई थी, जिन्हें देखकर आश्चर्य और खुशी का अनुभव हो रहा था। मंदिर परिसर के खुले बरामदे के चारों तरफ तथा मंदिर परिसर के अंदर अद्भुत कलाकृति की गई थी। मंदिर परिसर में कई जगह राजस्थानी शैली से निर्माण किया गया था। मंदिर की छत पर भी कई बारीक कलाकृति की गई थी, जो स्वर्ण की आभा से अपनी एक अलग छटा बिखेर रही थी। मंदिर के बीचों बीच एक नायाब वेदी के ऊपर काले पाषाण की भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा विराजमान थी। इस मंदिर में 2 इंच से लेकर 6 फीट तक की करीब 168 प्रतिमाएं हैं, जो धातु, पत्थरों, मूंगा, स्फटिक आदि से निर्मित हैं। मंदिर के अंदर चारों बगल और ऊपर जहाँ भी हमने नजर दौड़ाई, वहाँ पर हमें स्वर्णकारी देखने को मिला, जिससे ये पता चलता है कि इस मंदिर का नाम स्वर्ण मंदिर क्यों पड़ा। आज मैं स्वर्ण मंदिर का दर्शन की। मंदिर बहुत ही खूबसूरत और आकर्षण है और भव्य है। आप इस मंदिर के बारे में इतिहास, वर्तमान और कब स्थापना हुई सब बताइए। इस मंदिर का निर्माण संवत 1761 यानी कि 300 साल पुराना है ये मंदिर। इसको बनाने में विगत कारीगरों ने 45 साल लगाया। लाल रंग जो कि माणिक से लगाया गया है, नीला रंग नीलम से हुआ है और हरा रंग पन्ने का इस्तेमाल किया है। वह सभी बहुमूल्य नगीने थे जिनका इसमें इस्तेमाल हुआ है। 1000 शास्त्रों का हमारे पास हस्तलिखित शास्त्रों का भंडार है, जो कि बहुत दुर्लभ है। उसकी सबकी हमारे पास लेखा जोखा है और ऐसे अनेक खूबियाँ हैं इस मंदिर जी में। जो भी वास्तु से संबंधित जितने भी कला होती है वह सभी इसके अंदर दर्शाई गई है। जैसे राजस्थान का पत्थर है, अराइस का काम है, एम्बोसिंग का काम है, स्वर्ण का काम है, नगीनों का काम है, रंग बिरंगे कलर्स का काम है और ठीकरी के जो पत्थर जो कि आपने फिल्मों में देखा होगा पहले, वो सब भी इसमें दर्शाया गया है। जो मार्बल लगा हुआ है वो आज की तारीख में लोग 1/2 इंची और 1/4 इंची का लगाते हैं, उसमें 4-4 इंची का मार्बल लगा हुआ है। इसका नाम श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर था, लेकिन मंदिर सभी जगह होते हैं, बड़ा मंदिर सभी जगह होते हैं, उससे कोई आता नहीं था, लेकिन जैन स्वर्ण मंदिर नाम से इसको हमने विख्यात किया। तब से पूरे हिंदुस्तान से जैनी लोग इसमें दर्शन करने आते हैं। साल 2000 में इस मंदिर में मरम्मत का काम 3 साल तक चला और आज स्वर्ण मंदिर के नाम से देश विदेश में यह मंदिर प्रसिद्ध है।
अगर आपने अभी तक इस ग्वालियर के मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं तो आज ही आकर स्वर्ण मंदिर की अद्भुत कलाकारी एवं भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी।